नमस्कार साथियों, सभी मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज यहाँ पे आए। आज युवा कांग्रेस जम्मू में प्रोटेस्ट कर रही है, और प्रोटेस्ट उसलिए कर रही है कि ये जो नाच, ये जो गलत काम जो बीजेपी कर रही है डिलिमिटेशन के नाम पे, ये जो गंदा खेल खेल रही है उसको एक्सपोज करने में। कुछ दिन पहले रविंदर रैना जी जो कहते थे चिंता नहीं करनी, डिलिमिटेशन मैनेज है, वो सबूत के साथ मीडिया में वो सामने आया। इसके ऊपर एसपीआईसी ने, मीर साहब ने भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यूथ कांग्रेस ये कहना चाहता है एक तरफ आप पूरे एक्सपोज हो चुके हो कि डिलिमिटेशन आप मैनेज कर रहे हो, डिलिमिटेशन जम्मू के लोगों के लिए नहीं हो रहा, डिलिमिटेशन जेएनके के लोगों के लिए नहीं हो रहा, डिलिमिटेशन सिर्फ बीजेपी के नेताओं को खुश करने के लिए हो रहा है। और 7 तारीख को दिल्ली से बड़े बड़े बीजेपी के नेता आ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हर असेंबली में वो देखेंगे किसकी सौदेबाजी कहां करनी है, कौन सा अमीर आदमी कहां है, उसको कहां पे उसकी एक असेंबली बनाकर उसको टिकट बेची जाए। जम्मू वालों का सौदा करने आ रहे हैं ये बीजेपी वाले। अगर इतना ही ख्याल जम्मू का होता, इतना ही ख्याल जम्मू कश्मीर की पब्लिक का होता, तो अभी तक जो भी डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो ड्राफ्ट की है वो पब्लिक में होती। ये डिलिमिटेशन किसके लिए कर रहे हो तुम? बीजेपी वालों के लिए कर रहे हो, बड़े बड़े नेताओं के लिए कर रहे हो, या पब्लिक के लिए कर रहे हो? जम्मू की पब्लिक के लिए कर रहे हो, जेएनके की पब्लिक के लिए कर रहे हो? जिनके लिए कर रहे हो, जो बीजेपी कहती है हम जेएनके के लोगों के लिए कर रहे हैं, उनके हाथ में तो बाबा जी का ठुल्लू है, कुछ भी नहीं आया, ना कोई ड्राफ्ट आया, अभी तक नहीं आया। हमारी डिमांड है जल्द से जल्द ये ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। और ये जो नाच करने, ये जो गंदा नाच खेलने बीजेपी के बड़े बड़े नेता यहाँ पे आ रहे हैं, सौदेबाजी करने आ रहे हैं, सीटों की खरीदने बटोलने आ रहे हैं, वो नहीं चलेगा। हम डिमांड करते हैं जल्द से जल्द बीजेपी जो है पब्लिक डोमेन में डिलिमिटेशन रिपोर्ट लाए।